हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम 10th क्लास के लीनियर इक्वेशंस का टोटल एमसीक्यू करेंगे। आज के सेशंस को अटेंड करने के बाद लीनियर इक्वेशंस का एक भी एमसीक्यू आपका नहीं छूटेगा। ओके, तो चलो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, इन इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो आर सच डेट ऑल a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऑल दी पेयर्स आर इक्वल एंड फर्स्ट टू आर इक्वल एंड थर्ड इज नॉट इक्वल। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो कि अगर सारे पेयर इक्वल होंगे तो लाइन हमारी होगी कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। जितनी भी कोइंसिडेंट लाइन होती है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, और अगर फर्स्ट टू पेयर आपस में इक्वल नहीं होगा तो इस तरह की लाइन होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इस तरह की लाइन के एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, जो चीज़ दुनिया में एक है उसे हम यूनिक कहते हैं ना, इसलिए इस लाइन के सॉल्यूशन को भी कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, और अगर फर्स्ट टू पेयर इक्वल होगा, थर्ड पेयर इक्वल नहीं होगा, तो लाइन होगी हमारी क्या? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के होते हैं नो सॉल्यूशन, याद रखना। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, ग्राफिकली अगर आप इसे रिप्रेजेंट करो तो देखो, एक लाइन और जस्ट इसके ऊपर दूसरी लाइन, जस्ट इसके ऊपर तीसरी लाइन, ये सारी की सारी लाइन क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन आपको साफ साफ दिखेगी कि वो लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और पैरेलल लाइन इस तरह की होगी, हर पॉइंट पे दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इसलिए इस तरह की लाइन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओके, याद रखना, अगर ऑल दी थ्री पेयर्स आर इक्वल देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन, इफ फर्स्ट टू पेयर्स आर नॉट इक्वल देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ फर्स्ट टू पेयर्स आर इक्वल थर्ड पेयर्स आर नॉट इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल लाइन। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होते हैं। और उसके बाद जो आपकी पैरेलल लाइन है वो एक दूसरे को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ओके, तो चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर वन में कंडीशन क्या गिवन है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। कितने सॉल्यूशन होंगे? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और जब एग्जैक्टली वन होंगे तो उसे क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो इस लाइन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are such that all the pairs are equal। अगर सारे पेयर आपस में इक्वल होंगे तो लाइन हमारी कौन सी होगी? कोइंसिडेंट लाइन। और इस तरह की लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, एक भी क्वेश्चन में जान नहीं है, सिर्फ आपको पूरी वीडियोस को प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से देखनी है। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर फर्स्ट टू पेयर इक्वल होंगे, थर्ड पेयर इक्वल नहीं होगा, कौन सी लाइन होगी? कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? सीधा ये कंडीशन को देखो डायरेक्टली और उसके बाद टिक करो। इस कंडीशंस को देख करके आपको नेचर का आइडिया लग जाएगा कि लाइन हमारी कौन सी है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना कि अगर एक्स इक्वल टू समथिंग की बात करें, सपोज एक्स इक्वल, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और एक्स इक्वल टू फाइव की बात करेगा, डेफिनेटली ये जो इक्वेशंस होगी एक्स इक्वल टू फाइव, इसका जो ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, और
सपोज दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, अगर कोई वाई इक्वल टू समथिंग सपोज आपको दे दे वाई इक्वल टू 4 या वाई इक्वल टू 5 कुछ भी दे दे, तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवेन हो तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट गिवेन हो इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, तो क्या होगा ऑप्शन हमारा, ध्यान से देखिए, द ग्राफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉट, एक्स एक्सिस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस श्योर। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर x इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट गिवेन है तो इसका ग्राफ किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, समझ रहे हो ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशंस 5x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स याद रखना, जितनी भी इक्वेशंस इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में जितनी भी इक्वेशंस होती है, सारी की सारी इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? बिकॉज जब आप इसके दो जीरोज निकालोगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे बिल्कुल स्ट्रेट, वो पास क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन होगी आपकी। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है ना ये इक्वेशन, इसका मतलब ये जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 5:4 एंड 10 इज एडेड टू ईच नंबर देन रेशियो बिकम्स। स्टूडेंट्स जब कभी भी दो नंबर रेशियोज में गिवेन हो, तो सपोज करो फर्स्ट नंबर इज 5x एंड सेकेंड नंबर इज 4x, तो एक नंबर हमारा 5x है और दूसरा नंबर 4x है। क्वेश्चन में कह रहा है 10 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 6:5। तो स्टूडेंट्स एक नंबर हमारा कितना गिवेन है 5x और दूसरा नंबर कितना गिवेन है हमारा 4x। ओके, और इस दोनों नंबर में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो रेशियो कितना हो जाता है हमारा 6/5 हो जाता है। ओके, सिंपली इस दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5s 25x और 5 10s 50 और इक्वल्स टू 6 4s 24x और 6 10s 60। ओके, इस 24 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो 25x माइनस 24x इक्वल्स टू 60 माइनस 50, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो नंबर हमारा 5x था ना, तो 10 5s 50, दूसरा नंबर 4x तो 4 10s 40, 50 और 40 हमारा आंसर्स होगा। कौन कौन सा, 50 और 40, इट्स मीन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिंपली इस तरीके से आप उसे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स आर 36 इफ इंटीजर्स आर दिस। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया ना, हमारे पास अगेन रेशियो गिवन है, तो एक को हम क्या मान लेंगे 4x और दूसरे को क्या मान लेंगे 3x, और क्वेश्चन में इस दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है हमारे पास, 36 गिवन है, तो 4x माइनस 3x x इक्वल टू हाउ मच, 36। ओके, एक नंबर हमारा 4x है तो कितना हो जाएगा 4 into 36 डेट इज इक्वल टू 144, और दूसरा नंबर 3x है तो 3 into 36 विच इज इक्वल टू 108। आंसर कितना हो जाएगा 144 और 108, इट्स मीन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, एक भी क्वेश्चन में जान नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनो, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 2 एंड एडिंग 6 गिव्स 28। सपोज देखो आंसर सारे के सारे x के टर्म में गिवन है, राइट, सपोज वो नंबर x है हमारा, लेट नंबर x हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 2, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 into x, उसके बाद एंड एडिंग 6 ऐड करो, तब जाकर के ये रिजल्ट कितना देता है, 28 देता है। ओके, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 28, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 28, इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का एक और पॉसिबल आंसर हो सकता है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन करो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 28, तो x प्लस 3 की वैल्यू 28 अपॉन 2 के टेबल में 14 पे जा रहा है,
एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 14 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर्स, ओके याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस रूट टू एक्स माइनस रूट थ्री वाई रूट फाइव एक्स प्लस रूट टू वाई इक्वल टू जीरो। सबसे आसान तरीका बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने मत बैठना, बिकॉज टाइम कम होता है, कम टाइम में सही आंसर निकालने हैं। आप क्या करो ना, जो आपका आप ना इस वैल्यूज को पुट अप करो, एक्स के प्लेस पर अगर आप वन पुट करते हो तो रूट टू, और माइनस टू वाई के प्लेस पर रूट थ्री पुट करते हो तो कितना होगा रूट टू रूट थ्री, जीरो के इक्वल कभी नहीं आएगा। फोर पुट करो तो क्या हो जाएगा फोर रूट टू, और माइनस सिक्स रूट थ्री, ये भी जीरो कभी नहीं आएगा। जीरो जीरो पुट करो तो कितना हो जाएगा रूट टू इंटू जीरो जीरो, माइनस रूट थ्री इंटू जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो कितना हो जाएगा जीरो। इट्स मीन ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके का अगर सॉल्व करने की बात करें, सॉल्व कर मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पॉसिबल है नहीं, अगर आपको लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से अगर आप कन्फर्म नहीं कर पा रहे हो तो जाकर के आप लास्ट मोमेंट पे क्या करो उसे सॉल्व कर लो। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टेंथ क्वेश्चन, द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 कट्स x एक्सिस एट। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होगी वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगी। ओके, और अगर आपको ये आइडिया लगाना हो कि ये जो लाइन है वो कौन से एक्सिस पे कट करेगी, एक्स एक्सिस पे कट करेगी या वाई एक्सिस पे कट करेगी, और कट करेगी तो कौन से पॉइंट पे कट करेगी, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अगर आपको एक्स एक्सिस का पता लगाना है तो सिंपली आप क्या करो, वाई की वैल्यू जीरो पुट करो, अगर वाई एक्सिस का पता लगाना है तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो। क्वेश्चन में कह रहा है कट्स एक्स एक्सिस एट, हमें एक्स एक्सिस पे पॉइंट चाहिए, क्या करेंगे वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। ओके, ये लाइन हमारे पास कितने गिवन है, थ्री एक्स और प्लस फोर वाई इक्वल टू 12, कट्स एट एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे, तो वाई की वैल्यू जब जीरो लोगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स प्लस जीरो इक्वल टू 12, तो थ्री एक्स इक्वल टू 12, एक्स इक्वल टू 12 अपॉन थ्री, थ्री फोर सा तो एक्स इक्वल टू 4 ना। अब एक बात बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है 4 तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, 0, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है डेफिनेटली उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 4, 0। इट्स मीन बी इज योर राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू हैज यूनिक सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस पता होगा, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2 होगा। श्योर? तो देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, दिस इज a1 दिस इज b1, तो a1 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है k, a2 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6, और नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है -1, और b2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी -2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2k नॉट इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, 2 से अगर बोथ साइड डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, डेट इज k नॉट इक्वल टू 3। इट्स मीन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। याद रखना, जब कभी भी नॉट इक्वल टू का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चंस में नॉट इक्वल टू मेंशन होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब तीनों पेयर हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2। ओके, तो देखो हमारी वैल्यूज, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 2, और a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 4, और b1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 3, और b2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है k, और c1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, c2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 10। इतनी बातें क्लियर है ना? आप क्या करो, या तो फर्स्ट और सेकेंड पेयर को सॉल्व कर लो या सेकेंड और थर्ड पेयर को सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है। सपोज इन दोनों का आप इक्वल रखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 × k हो जाएगा 2k, और 4 × 3 = 12, तो k की वैल्यू 12 upon 2 which is equal to 6। इट्स मीन
सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, जब कभी भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात करें, याद रखना तीनों पेयर्स आपस में इक्वल होंगे, ओके ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, ध्यान से सुनो। राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky इक्वल टू माइनस 7 हैज नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन की क्या सिचुएशन थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। दो पेयर इक्वल थे और तीसरे पेयर इक्वल नहीं थे। तो देखो हमारे पास a1 कितना गिवन है 1 और a2 कितना गिवन है हमारे पास 5 और b1 कितना गिवन है हमारे पास 2, b2 कितना गिवन है हमारे पास k और नॉट इक्वल टू c1 कितना गिवन है हमारे पास 3 और c2 कितना गिवन है हमारे पास -7। ओके स्टूडेंट्स, देखो k की वैल्यूज हमें इस पेयर से कभी मिलने वाली नहीं है और ऑप्शन में नॉट इक्वल टू है भी नहीं, तो इस वाले पेयर को सॉल्व करने से कोई फायदा है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पेयर को इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2 5 10, k इक्वल्स टू 10, इट्स मीन ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, इसके बाद देखो, इफ ए एम नॉट इक्वल टू बी एल देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल्स टू एन हैज। स्टूडेंट्स, नॉट इक्वल टू गिवेन है, चलो इस सिचुएशन को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स वाई और कॉन्स्टेंट का रेशियोज निकालो। अगर आप ए वन अपॉन ए टू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, a अपॉन l, और अगर b1 वन अपॉन बी टू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, b अपॉन m, और अगर आप कॉन्स्टेंट का निकालते हो तो c अपॉन n। एक बार इसको चलो मैंने इक्वल रख दिया, अब हम कंपेयर करेंगे किस सिचुएशन में ये वाली कंडीशन हमारी आ रही है, किस सिचुएशन में। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो am और bl, यही है ना am और bl, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो am और ये bl, एक्चुअल में तो ये इक्वल है लेकिन क्वेश्चंस में नॉट इक्वल है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल। बताओ अगर पहला दो पेयर इक्वल नहीं है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली। तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज योर राइट आंसर। बात क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, द लाइन y इक्वल टू x पासिस थ्रू द पॉइंट। स्टूडेंट्स, एक बात तो श्योर दिख रहा है साफ साफ कि जो y की वैल्यू होनी चाहिए वही x की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी एक, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, x की 2 है तो y की भी 2, x 0 है तो y भी 0। इट्स मीन ये पॉइंट कभी नहीं हो सकता, ये पॉइंट कभी नहीं हो सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। इट्स मीन ऑप्शन दी इज योर राइट आंसर। ओके, आ गया ना मजा। ओके ठीक है, फिर हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, बाय।